ओके देन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ क्वेश्चनेयर। सो इन जनरल अगर हम बात करें कि क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चनेयर का मतलब होता है एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आप यू नो डिफरेंट प्रोडक्ट्स या फिर डिफरेंट चीजों के बारे में आप लोगों की राय जानने की कोशिश करते हो, लोगों का जो जजमेंट है वो जानने की आप कोशिश करते हो। तो क्वेश्चनेयर का मतलब इन जनरल ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। सो द सक्सेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू अ क्वेश्चनेयर डिपेंड्स मेनली ऑन हाउ स्किलफुल एंड इमेजिनेटिवली द क्वेश्चन हैज बीन डिजाइन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक तरीके से जब भी आप क्वेश्चनेयर आप डिजाइन कर रहे हो तो फिर आपको इस तरीके से उसको डिजाइन करना होगा, मतलब उसको स्किलफुली और इमेजिनेटिवली डिजाइन करना होगा, अच्छे तरीके से इमेजिन करके, कि जो कि आपके क्वेश्चन को ठीक तरीके से आंसर करे। अगर आप उसको सही तरीके से डिजाइन नहीं करोगे तो एक तो आपको रेलिवेंट डेटा मिल नहीं पाएगा, प्लस बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपके क्वेश्चनेयर में शामिल ना भी हो। ठीक है, आप अगर 100 लोगों को अपना क्वेश्चनेयर पकड़ाओगे तो उसमें से 15-20 लोग ही हामी भरेंगे जो कि उस चीज में पार्टिसिपेट करने को लेकर के रेडी होंगे। ठीक है, अब उसमें भी अगर आप उठपटांग उसमें क्वेश्चन पूछोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जो कि इररिलेवेंट है, इलॉजिकल है, तो फिर आपको वहां से डेटा जो है सही से मिल नहीं पाएगा, और रिलेवेंट डेटा तो भूल ही जाओ, वो तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, कोई बात यहाँ पे बोली जा रही है, दैट सक्सेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू अ क्वेश्चनेयर डिपेंड्स मेनली ऑन हाउ स्किलफुली एंड इमेजिनेटिवली द क्वेश्चनेयर हैज बीन डिजाइंड। अ बैडली डिजाइन क्वेश्चनेयर विल नेवर बी एबल टू गैदर द रिलेवेंट डेटा। ठीक है, इन डिजाइनिंग द क्वेश्चनेयर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड आर, तो जब भी आप डिजाइनिंग करोगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप एक तरीके से क्वेश्चनेयर को डिजाइन कर रहे हो। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है, जो कि पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी आप डिजाइन कर रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कवरिंग लेटर का। ठीक है, एवरी क्वेश्चन शुड कंटेन अ कवरिंग लेटर। द कवरिंग लेटर शुड हाईलाइट द पर्पस ऑफ स्टडी एंड अश्योर द रिस्पॉन्डेंट That all the responses will be kept confidential. ठीक है, तो कवर लेटर एक तरीके से ये हो गया कि जो भी लेटर रहेगा, जो भी क्वेश्चनेयर रहेगा, वो एक कवर मतलब एक कवरिंग लेटर के अंदर रहेगा। एक जैसे एनवेलप होता है ना, वो एनवेलप के अंदर रहेगा। अब वो एनवेलप के अंदर रहने के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, कि आपका जो भी डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो डेटा किसी और के पास नहीं जाएगा, नहीं तो आपका जजमेंट अगर किसी और के साथ किसी और को पता चलता है तो हो सकता है कि वो आपके प्रति बायस हो जाए, या कुछ भी चीजें हो सकती है। जैसे कि हम लोग वोटिंग में भी देखते हैं, जब वोटिंग वगैरह होती है तो ईडीसी का इलेक्ट्रॉनिक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस जब हम लोग वोट वगैरह में भी एक और चीज का इस्तेमाल होता है, मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा, बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल होता है। तो कौन किस बंदे को वोट दे रहा है ये आपको पता नहीं चल पाता, ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो सेम एज यहाँ पर भी वही बात बोली जा रही है कि एक कवरिंग लेटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि आप पहला बात तो कि आपका पर्पस क्या है उस स्टडी को करने का, ये क्वेश्चनेयर करवाने का या करने का पीछे आपकी वजह क्या है, मंशा क्या है। दूसरा, ये आपके क्वेश्चनेयर को कॉन्फिडेंशियल भी रखता है कि कौन सा किसका क्या रिस्पॉन्स रहा है, ये सारे लोगों को पता नहीं चल पाता। ये जो क्वेश्चनेयर करा रहा होता है सिर्फ उसी को पता चल पाता है कि इस बंदे ने ये जवाब दिया, उस बंदे ने वो जवाब दिया, लेकिन लोग एक दूसरे के क्वेश्चनेयर्स को देख नहीं सकते, ना ही उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, उसके लिए कवरिंग लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज डिजायरेबल दैट सम इंक्रीमेंट और इमोटिवेशन इज प्रोवाइडेड टू द रिस्पॉन्डेंट फॉर बेटर रिस्पॉन्स। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप जो रिस्पॉन्डेंट है, जो आपके क्वेश्चनर में हिस्सा ले रहा है, जो आपके क्वेश्चन के आंसर को देगा, आप उनके साथ कुछ एक तरीके से मोटिवेशनल कोई सेशन करते हो जहाँ पे आप उनको समझाते हो कि देखो ऐसा ऐसा चीज है और ये चीजें हम लोग करते हैं, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है ये आप इस क्वेश्चनर में फिलअप करके हमें सबमिट करो। ठीक है, तो ये डिजायरेबल होता है, ये माना जाता है कि आप कुछ इंड्यूसमेंट या फिर मोटिवेशन जो है प्रोवाइड करा सकते हो रिस्पॉन्डेंट को, ताकि उनके तरफ से आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाए, एक बेटर रिस्पॉन्स आपको मिल पाए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड क्वेश्चनेयर डिजाइन शुड बी सच दैट द रिस्पॉन्डेंट डिराइव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन थ्रू हिज इन्वॉल्वमेंट। है ना, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी है, अब जैसे कि मुझे क्वेश्चनेयर करवाना है तो मैं जिस बंदे से वो बोल रहा हूँ जवाब लिखने के लिए, इसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो क्वेश्चनेयर में मैं हिस्सा ले रहा हूँ इसका कोई फायदा है, इसका कोई फायदा है, ऐसा कोई सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर उसको उस चीज में फायदा नजर नहीं आएगा, अगर उसको उस चीज में ये समझ में नहीं आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसका बेनिफिट बाकी सारे लोगों को मिलेगा या मुझे मिलेगा, तो उसको वो काम करने में मजा नहीं आएगा। बट सपोज आप अगर उनसे प्रॉमिस लेते हो कि जो भी फीडबैक हमारे पास आएगा उस फीडबैक के अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे और चीजों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो बंदा बोलेगा हाँ मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बिकॉज इससे हमारा एक बेनिफिट है। ठीक है ना, तो कवरिंग लेटर में हमारा वो चीज यहाँ पे बोला जा रहा है।
आपका जो है एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो रिस्पॉन्डेंट का वहां पे होना चाहिए, ताकि वो बंदा भी जो है खुल करके उस चीज में हिस्सा ले पाए। ठीक है, कवरिंग लेटर हो गया। अगला पॉइंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी कैप्ट इन माइंड। तो कितने सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी क्वेश्चनियर में डालने हैं ये आपको दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें डाल दोगे, और इरेलीवेंट तो डालने ही नहीं है, रिलेवेंट लॉजिकल क्वेश्चन डालने हैं जो कि लिमिटेड होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपने डाल दिया 100 200, तो वो बंदा तो मतलब क्वेश्चन देते देते ही उसका 3 4 घंटे का लगेगा, जैसे कि कोई पेपर दे रहा हो, तो उसके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी एक तरीके से आपको अपने दिमाग में रखना है, उसको मिनिमम करके रखना है, ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो द फ्यूअर क्वेश्चन द फ्यूअर द क्वेश्चन द ग्रेटर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर रिस्पॉन्स एंड हैविंग ऑल द क्वेश्चंस आंसर्ड। जितने कम क्वेश्चन रहेंगे चांसेस उतने ज्यादा होंगे कि आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाए और उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो सामने वाला बंदा इरिटेट भी हो जाएगा कि भाई इतनी सा के लिए कितना कुछ करवा रहा है मेरे से, कितना मेहनत करवा रहा है, तो वो फीलिंग उनके अंदर नहीं आने देनी है। तो क्वेश्चन जो है आपको मिनिमम करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज द रिस्पॉन्डेंट मे फील डिसइंटरेस्टेड एंड प्रोवाइड इनएक्यूरेट आंसर्स पर्टिकुलर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन, है ना। अगर ऐसा आप नहीं करोगे, क्वेश्चन की संख्या अगर बहुत ज्यादा होगी तो वो एट द एंड जो है डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, उसको उस चीज में मजा नहीं आएगा। और आगे जा करके जो एंड होता है, जो क्वेश्चनर का तो एंड होता है, जब भी आप देखना, जब हम एग्जाम के भी पेपर देते हैं तो एग्जाम का पेपर के स्टार्टिंग बहुत अच्छा होता है, हमारा हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा होता है और आंसर भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे 3 घंटे का हम लोग पेपर देते हैं, तो आखिर के आधा आधा घंटे या 1 घंटे जो है हम लोग उतना फोकस के साथ आंसर को लिखते नहीं है, जो भी मन में आता है वो लिखते हैं। प्लस हैंडराइटिंग का तो एकदम क्या ही बताऊं मैं, कुछ भी हो गया होता है। तो वो चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि अगर आपका 3 घंटे का अगर आप क्वेश्चनियर करवाओगे या जितना लंबा रहेगा, उस बंदे को एंड में उतना ही कम मजा आएगा, और जब किसी चीज में इंटरेस्ट उसको नहीं होता है तो वो वहां पे उठ उठ चलो जो है वो वहां पे आंसर देने लगता है। ठीक है ना, तो स्पेशली यहाँ पे एंड की बात की जा रही है। नाउ इन्फॉर्मिंग द क्वेश्चंस द इन्वेस्टिगेटर हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन सेवरल फैक्टर्स सच एज पर्पस ऑफ स्टडी एंड द टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हो, जब आप उसको रेडी कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स को या फिर चीजों को जो है आपको अपने कंसिडरेशन में लेना होगा। जैसे कि पहला जो फैक्टर यहाँ पे बोला जा रहा है वो पर्पस ऑफ स्टडी, आप जो चीजें करवा रहे हो उसका करवाने का पर्पस क्या है, ये आपको भी क्लियर होना चाहिए। प्लस जो बंदा उस चीज में हिस्सा ले रहा है, क्वेश्चनर में हिस्सा ले रहा है, उसको भी पता होना चाहिए, ताकि वो भी उतना ही इंटरेस्ट के साथ उस काम को कर पाए। ठीक है, साथ ही साथ टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। टाइम आपके पास आधे घंटे का अवेलेबल, और आपने क्वेश्चन इतने डाल दिए कि आपको वहां पे 2 घंटे लग जाएंगे उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में, तो वो तो सही बात नहीं होगी, राइट। तो आपके पास जो भी टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने क्वेश्चनर को बनाना है, तो मिनिमम रखना है। ठीक है, सो एज अ रफ इंडिकेशन द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी बिटवीन 15 to 40। जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 15 से 40 के बीच हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं देना है। इन केस ऑफ क्वेश्चनर इज मोर देन 25, इट इज डिजायरेबल दैट द क्वेश्चनर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स टू इंश्योर क्लैरिटी। ठीक है, वही बात बोलेगी कि 15 से 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चनर में 25 से ज्यादा क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लो मतलब हर एक क्वेश्चन एक सेगमेंट आप बना लो कि इस सेगमेंट का जो क्वेश्चन आंसर है ये किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे आपको बताऊं, तो जब हम एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करते हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जब फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसके देखना 2 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपका पर्सनल डिटेल्स का होगा, दूसरा आपके प्रोफेशनल डिटेल्स का होगा, तीसरा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होगा, है ना। तो इस तरह से 2 3 पार्ट होता है। तो हम क्वेश्चन या जो भी वहां पे हमसे पूछा जा रहा है, हमारा नाम, पापा का नाम, कौन से स्कूल से हम लोगों ने स्टडी करी, हमारे मार्क्स कितने आए थे, तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो सेम बना हुआ रहता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये हमारा पर्सनल डिटेल्स है, ये हमारा प्रोफेशनल है और ये हमारा एजुकेशनल है। ठीक है ना, तो ये बात बोली जा रही है कि जब क्वेश्चन है आपको करने हैं ज्यादा, तो आप अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, ताकि हर एक चीज जो है वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करे और एक क्लैरिटी इंश्योरेंस उनको मिले, ताकि वो उस चीज में ठीक तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी कैप्ट द मिनिमम, कैप्ट टू द मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन शुड बी सिंपल शॉर्ट एंड अनएम्बिगुअस। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। एम्बिगुअस का मतलब ये होता है एक तरीके से कि आपको दोहरापन नहीं दिखाना है, मतलब एम्बिग्युइटी क्रिएट नहीं करना है, कोई एक चीज में ही होना है। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है और आपसे अगर उस चीज के बारे में कोई पूछ दे तो आप एम्बिगुअस हो जाते हो, मतलब आपको समझ में नहीं आता कि आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, मतलब आप दो चीजों में फंस जाते हो, है ना। तो क्वेश्चन है अनएम्बिगुअस होना है, मतलब क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि आपसे ये चीजें पूछी जा रही हैं।
आपको वहां पे क्वेश्चन में देखना, एक ही क्वेश्चन का दो मीनिंग निकल सकता है, राइट? तो वो दो मीनिंग नहीं निकालना है, एक क्वेश्चन का एक ही मीनिंग लिखो, क्वेश्चन इस तरीके से बनाओ कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे क्या डालना क्या है आंसर में, क्योंकि उसके दिमाग में अगर दो चीजें आएंगी तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज को वो डाले, ठीक है? तो अनएम्बिगस होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड सच दैट देयर आंसर्स आर अनएम्बिगस, ठीक है? इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, यहाँ पे लाइन में आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो एम्बिग्युइटी क्रिएट होगी, और एम्बिग्युइटी क्रिएट होगी तो वो जो सही तरीके से आंसर है वो उसको नहीं दे पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज आर यू लिटरेट, क्या आप पढ़े लिखे हो, द रिस्पॉन्डेंट मे हैव डाउट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लिटरेसी। सही बात है, उसके दिमाग में डाउट्स होगा कि लिटरेसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में माना जाता है कि जिसको हैंड राइटिंग, जिसको साइन करने आता है वो लिटरेट है, जिसको पढ़ने आता है वो लिटरेट है, भले ही उसके पास क्वालिफिकेशन ना हो, भले ही उसके पास क्लास 10 12 ग्रेजुएशन मास्टर्स की डिग्री ना हो, बट इवन इफ ही कैन साइन, ठीक है ना, इवन इफ ही कैन साइन, ही कैन रीड और ही कैन राइट थोड़ा बहुत भी, भले ही उसके पास डिग्री ना हो, ही इज लिटरेट। समझ रहे हो? तो अगर आप लिटरेट पूछोगे तो वो तो परेशान हो जाएगा कि ये मेरा क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, ये सिर्फ पूछ रहा है कि मुझे पढ़ने लिखने आता है कि नहीं। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन जो है आपको क्लियरली यहाँ पे डालना है। टू सम लिटरेसी, टू सम लिटरेसी मीन्स यूनिवर्सिटी डिग्री, वेयर एज टू अदर्स इवन कैपेसिटी टू, देखो वही लाइन सेम टू सेम जो मैंने बोली है वही बात यहाँ पे है कि कुछ लोगों के लिए लिटरेसी का मतलब ये हो सकता है कि उनके पास जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनको लिखना और पढ़ना आता है, ठीक है? हेंस इट इज डिजायरेबल टू स्पेसिफाई वेदर यू हैव पास्ड हाई स्कूल ग्रेजुएशन, पीजी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको डिजायरेबल यही होगा कि आप अपने क्वेश्चन में मेंशन कर दो कि आपको ये पता करना है, मतलब आपने पास किया है कि नहीं किया, आपने हाई स्कूल पास किया कि नहीं किया, आपने ग्रेजुएशन पास किया कि नहीं किया, इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन कैन बी ऑफ येस नो टाइप, क्वेश्चन यहाँ पे येस नो वाला होगा, इस तरह के क्वेश्चन येस नो वाले होते हैं, आपने पास किया हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है? और ऑफ मल्टीपल चॉइस डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, या फिर मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपसे पूछा गया आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री में आपने बहुत सारी चीजें मेंशन कर दी है, माध्यमिक परीक्षा, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी चीजें आपने मेंशन कर दी। अगर कोई पीजी है तो पीजी पे क्लिक करेगा, कोई ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट पे क्लिक करेगा। तो डिपेंड करता है कि जो बंदा क्वेश्चन रेडी कर रहा है वो किस तरीके से सोच रहा है, वो कैसा चाह रहा है ना? लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी जनरली बी अवॉइडेड, ठीक है? ओपन एंडेड थोड़ा टेक्निकल हो जा रहा है, मुझे हालांकि इसका मीनिंग याद था पर मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन बहुत तरह के होते हैं, ठीक है? ओपन एंडेड होता है, क्लोज्ड एंडेड होता है, जहां पे क्वेश्चन जो है बंद हो जाता है एक तरीके से कि इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओपन एंडेड में शायद क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं अगर आप चाहो तो, इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस को शायद यहाँ पे अवॉइड करने की बात की जा रही है कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछना है, ठीक है? अगला पॉइंट है क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिव एंड पर्सनल नेचर शुड बी अवॉइडेड। तो किसी को भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबको देने में मजा नहीं आता, ठीक है? मुझे भी मजा नहीं आएगा, मुझे अगर कोई पूछे मेरे बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो मैं शायद सबके साथ शेयर नहीं करूंगा, जो मेरे फ्रेंड होंगे या जिनके ऊपर मेरा ट्रस्ट होगा मैं उसके साथ शेयर करूंगा, सारी चीजें मैं क्यों शेयर करूं, राइट? तो जब भी आप क्वेश्चन एयर डिजाइन कर रहे हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं देने हैं जो कि पर्सनल नेचर के हों या थोड़े से सेंसिटिव हो, ठीक है? जिनको सुन करके हो सकता है उनको गुस्सा आ जाए या अच्छा लगे या बुरा लगे, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको वहां पे नहीं देने हैं, ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग अपनी सैलरी को छुपाना चाहते हैं, और लाइक सही भी है, वो नहीं बताना चाहते तो नहीं बचाना चाहते, पर आप अगर वहां पे लिख दोगे कि व्हाट इज योर सैलरी एट प्रेजेंट, हाउ मच यू आर अर्निंग, तो वो बंदा किसी को नहीं बताएगा। हाँ, उसका अगर इम्प्लॉयर होगा, उसका इम्प्लॉयर उससे पूछे कि तुम मुझे बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है, उसके बेसिस पे मैं तुम्हें हाइक दूंगा, सैलरी जो है आपका बढ़ेगा, तो वो बंदा उसको बताएगा क्योंकि वहां पे उसका इंटरेस्ट है। पर कोई भी बंदा उससे आकर के पूछेगा सैलरी तो क्या वो बता देगा? नहीं बताएगा। वैसे ही एज को लेकर के भी बहुत ज्यादा लाइक इस तरह की बातचीत होती है कि एज नहीं पूछना चाहिए, है ना? एज एंड सैलरी शैल नॉट बी आस्क्ड टू एनीवन, स्पेशली गर्ल्स। तो वो चीजें अगर आप पूछोगे तो वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे बताने को लेकर के। तो ये चीजें यहाँ पे आपको जो है अवॉइड करनी है अपने क्वेश्चनर्स में, ताकि उनको एक तरीके से ऑकवर्ड ना लगे कि भाई यहाँ पे आप क्या पूछना चाह रहे हो और आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है? और ये रेलेवेंट भी नहीं है, आप अगर प्रोडक्ट की जानकारी चाह रहे हो तो आपका एज एंड सैलरी क्यों मैटर करेगा? हालांकि मैटर करेगा, टू बी ऑनेस्ट मैटर करेगा, इकोनॉमिक्स में ये मैटर करता है,
ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पा रहे हो इसका मतलब आपकी सैलरी ज्यादा है। आपका एज ग्रुप इसलिए मैटर करता है ताकि कंपनी को पता चल पाए कि इस एज ग्रुप के लोग जो है हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहे हैं, समझ रहे हो? तो सारी चीजें उनके लिए मैटर करती हैं, बट अगर कोई आदमी नहीं आंसर देना चाहता है तो इट्स ओके, इट्स देयर चॉइस, ठीक है ना? तो वो बात, तो क्वेश्चन शुड भी सेंसिटिव होना चाहिए, और सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, उल्टा कह रहा हूँ, और पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। द क्वेश्चन शुड नॉट बी सच एज वुड रिक्वायर द रिस्पॉन्डेंट टू डिस्क्लोज एनी प्राइवेट पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देना है आपको जहां पर रिस्पॉन्डेंट को किसी भी तरह का अपना कोई प्राइवेट पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उनको वहां पर डिस्क्लोज करना पड़े, क्योंकि वो बंदा वैसे भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन रिलेटिंग टू सेल्स, प्रॉफिट्स एंड मार्शियल हैप्पीनेस, ठीक है, मैरिटियल हैप्पीनेस यहाँ की बात की जा रही है, कि शादी में आप खुश हो, शादी करके आप खुश हो या नहीं हो, ये पूछना। आपके बिजनेस में आपको सेल कितना हो रहा है या प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो कि उसकी कमाई कितनी हो रही है। कमाई कोई नहीं बताना चाहता, ठीक है? तो वो चीज यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि उस तरह के क्वेश्चन जो है नहीं पूछने हैं, शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके आप इसको इसको अवॉइड करना है। इफ सच क्वेश्चन आर नेसेसरी, अगर वो क्वेश्चन नेसेसरी है भी, तो नेसेसरी इन द सर्वे, द एश्योरेंस शुड बी गिवन टू द रिस्पॉन्डेंट दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड शैल बी केप्ट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल एंड शैल नॉट बी यूज्ड एट एनी कॉस्ट टू देयर डिसएडवांटेज। अगर ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है भी, तो आप क्वेश्चन में डालो, लेकिन साथ ही साथ जो भी रिस्पॉन्डेंट है आप उनसे बातें करो, उनको समझाओ कि जो भी चीजें आपसे पूछी जा रही है, और अगर आप इनका जवाब देते हैं तो आपकी सारी की सारी जानकारी को एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो अगर आप ये अश्योरिटी उसको देते हो तो वो थोड़ा बहुत राजी हो जाएगा, बट कई लोग राजी नहीं होंगे क्योंकि उनको पता नहीं है कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। हो सकता है कि जो बंदा ने उसको एश्योरेंस दिया था वो बंदा अपने पोस्ट से हट गया और कोई और बंदा उसके जगह पे आ गया है, तो उसने तो आपको एश्योरेंस नहीं दिया था जो नया बंदा आया है, तो हो सकता है कि वो आपकी बात को ना माने, लाइक उसको पता ही नहीं है कि उसको ऐसा नहीं करना है, अब वो गलती से कर बैठे, तो कुछ भी चीजें हो सकती हैं। अगला है, आंसर्स टू क्वेश्चन शुड नॉट रिक्वायर कैलकुलेशंस। अच्छा, थोड़ा सा ब्रेक लगा, मुझे थोड़ा पानी पीना है, 1 मिनट। ओके, तो ये पॉइंट है, आंसर टू क्वेश्चन शुड नॉट रिक्वायर कैलकुलेशंस, ठीक है? तो ऐसे आंसर्स आप, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछना है जहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े, ठीक है? इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा क्या लिखा हुआ है। द क्वेश्चन शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट देयर आंसर्स डू नॉट रिक्वायर एनी कैलकुलेशंस, लॉजिकल एग्रीमेंट, द क्वेश्चन शुड बी लॉजिक, हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन, ये लॉजिकल एग्रीमेंट तो अगला टॉपिक है, इसको मैंने अलग से पॉइंट किया ही नहीं है। शिट, एक मिनट जरा सा। ओके गाइस, तो इसका ना सिर्फ एक ही लाइन में आंसर दिया हुआ है कि द क्वेश्चन शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट देयर आंसर्स डू नॉट रिक्वायर एनी कैलकुलेशन। कुछ आपको ऐसे करना था कि उनको कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है? अब सपोज आपने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे एग्जाम्स में होता है, एग्जाम में क्या होता है कि आपको कोई एक डेट बता दिया गया और बोला गया कि आने वाले समय में, मतलब 4-5 साल बाद इस डेट पे कौन सा दिन होगा, सपोज लेट्स सपोज कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो किसी भी स्टूडेंट को वो करने में मजा आएगा क्योंकि वहां पे कैलकुलेशंस हैं, ठीक है? बट इसी तरह का कोई सिमिलर क्वेश्चन अगर आप किसी बंदे को देते हो और आप उसको कैलकुलेट करने के लिए मजबूर करते हो, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसको वो उस तरह के क्वेश्चन पसंद नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं देने हैं जो कि कैलकुलेशंस जहां पे रिक्वायरमेंट हो, ठीक है? ये पॉइंट खत्म। अगला पॉइंट है लॉजिकल एग्रीमेंट। अब ये टॉपिक हमारा अलग से होना था लेकिन ये इसके अंदर ही घुस गया है, मतलब इसको मैं अलग से नहीं कर पाया हूँ, बट कोई नहीं। तो लॉजिकल एग्रीमेंट हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है? सो द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड सो दैट देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड रिस्पॉन्डेंट डज नॉट फील द नीड टू रेफर बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन। माफी चाहूंगा, तो लॉजिकल एग्रीमेंट यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि जो क्वेश्चन है वो लॉजिकली अरेंज होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, फिर पापा का नाम, फिर मम्मी का नाम, फिर एज, फिर आपका जो जेंडर है वो पूछा जाएगा, है ना? बाकी चीजें पूछी जाती हैं, तो ये है ना एक तरीके से लॉजिकल मैनर और अरेंज ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आप पहले अपना नाम पूछोगे और सारे क्वेश्चन पूछने के बाद आप पापा का नाम पूछोगे तो वो सही नहीं होगा, राइट? तो लॉजिकली अरेंज होना चाहिए, जिसमें जिससे कि कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहे,
बंदे को ये ना लगे कि उठपटांग तरीके से सजाया गया है, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स है उसका कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखने के लिए आपको अपने क्वेश्चन को एक लॉजिकली अरेंज मैनर में सजाना होता है, ठीक है। सो इट इज डिजायरेबल दैट द क्वेश्चनियर शुड बिगिन विद सम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फॉलोड बाय द सम वाइटल क्वेश्चंस क्रूशियल टू द सर्वे एंड एंडिंग विद सम लाइट क्वेश्चन सो दैट ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट इज वेरी हैप्पी वन, ठीक है। ये लाइन बहुत अच्छा लगा मुझे, इस पूरे के पूरे मतलब ये तीन जो लाइनें हैं इस लाइन को पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चनियर डिजाइन कैसे करना है। किसी से कोई सवाल पूछना है इन जनरल भी, क्वेश्चनियर बिना डिजाइन किए अगर आपके मन में कोई सवाल और किसी से आप अगर पूछना चाहते हो तो कैसे आपको पूछना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगा जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर डू, इस तरह की चीजें जो है आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर आगे जाना है आपको अपने वाइटल क्वेश्चंस की तरफ जिसके लिए आप सर्वे को करा रहे हो। आप सर्वे को जब करा रहे हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे आपका जो रीजन है वो फुलफिल हो पाए, ठीक है। और आखिर में आपको कुछ लाइट क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ हंसी मजाक वाले कुछ क्वेश्चन पूछने हैं जिससे कि वो बंदा जो एक तरीके से खुश हो, ठीक है ना। आप अगर सीरियस क्वेश्चन पूछोगे तो आखिर में जाकर के वो सीरियस हो जाएगा कि पता नहीं मैंने करके अच्छा किया या नहीं किया, पर लास्ट में अगर लाइट क्वेश्चंस होंगे, थोड़े आसान क्वेश्चंस होंगे, थोड़े लाइक लाइटफुल क्वेश्चंस होंगे, तो उनको अच्छा लगेगा एंड दे विल बी हैप्पी, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के तीन लाइनें जो है इसमें सारी चीजें बता दी गई हैं, ठीक है। अगला है चेक क्रॉस एंड फुट नोट्स। क्रॉस चेक आपको करना है सारे के सारे आंसर्स को, ठीक है, और फुट नोट्स आपको लिखना है। फुट नोट्स का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आप अपने क्वेश्चनियर के एंड में लिख सकते हो। देखो जब भी हम कुछ करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका निकलता है, तो फुट नोट्स एक तरीके से उसके रिजल्ट हो गए। या बोल सकते हो कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमें माइंड में रखनी है जब हम किसी का क्वेश्चनर को पढ़ रहे हैं तो वो किस स्टेट ऑफ माइंड में आंसर दे रहा है वो आप जज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर आंसर। तो जो भी आपको लगेगा वो आपको एक फुटनोट की तरह आप रेडी कर सकते हो। और एक तो होता है कि क्वेश्चनर के एंड में आपका जो रिजल्ट निकला वो आप फुटनोट में लिखते हो, ठीक है। द क्वेश्चनर शुड कंटेन सच क्वेश्चंस विच एक्ट एज अ क्रॉस चेक टू द रिलायबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि एक तरीके से क्रॉस चेक करेंगे आंसर्स को और उसकी रिलायबिलिटी को भी चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू इनकम इज आस्क्ड इट इज डिजायरेबल टू इंक्लूड अ क्वेश्चन आर यू एन इनकम टैक्स एसएससी। अब देखो कितना बड़ा यहाँ पे झोल है, आपने किसी से इनकम पूछा वो बंदा कुछ और बता दिया, कुछ भी बता दिया, बट इसके साथ एक और रिलायबल क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या आप इनकम टैक्स एसएससी हो, क्या आपको इनकम टैक्स अपना एसेस करना पड़ता है, क्या आप इनकम टैक्स पे करते हो, ये इसका मीनिंग है। तो अगर वो बोल देता है हाँ तो उसने कितना ही कम क्यों नहीं दिखाया हो आपको पता चल जाएगा कि उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो कितनी मतलब क्रॉस चेक करने के लिए, किसी ने सपोज बोल दिया कि 10 लाख मेरी इनकम है, ठीक है ना, और आपसे वहां पे पूछा गया कि क्या आप इनकम टैक्स पे करते हो, क्या आप इनकम टैक्स एसेस करते हो, उसने बोल दिया नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका 10 लाख इनकम है तो आप तो इनकम टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं इनकम टैक्स बचाने के, उसके तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से चेक क्रॉस चेक का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है इस तरह से क्वेश्चन का। तो फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी सर्टन क्वेश्चन विच माइट क्रिएट अ डाउट इन द माइंड ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स इट इज डिजायरेबल टू गिव फुट नोट्स, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उस केस में आप फुट नोट्स का इस्तेमाल इसलिए भी कर सकते हो कि नीचे में आपने कोई हिंट दे दिया, ठीक है, कि ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये यहाँ पे मतलब आंसर यहाँ पे देना है, तो फुट नोट्स में उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। द पर्पज ऑफ फुट नोट्स इज टू क्लैरिफाई ऑल पॉसिबल डाउट्स विच मे इमर्ज फ्रॉम द क्वेश्चन और कैन नॉट बी रिमूव वाइल आंसर देम, है ना। तो फुट नोट्स यहाँ पे एक तरीके से क्लैरिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन जो है किसी भी बंदे के मन में आ रहा है, रिस्पॉन्डेंट के मन में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है, तो फुट नोट्स में आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे कुछ चीजें लिख दोगे ताकि उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके यहाँ पे इनकम पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन रिलेट्स टू द इनकम लिमिट्स 1000 1 2 2000 2000 टू 3000 एक्सेट्रा अ पर्सन गेटिंग एग्जैक्टली 2000 शुड नो इन व्हिच इनकम क्लास ही हैज टू प्लेस हिमसेल्फ, ठीक है। अब जैसे मैंने हाल में एक पॉलिसी ली, टर्म इंश्योरेंस प्लस लाइफ इंश्योरेंस है उसमें, तो उसमें ना डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। आपका जैसा सैलरी होगा आपको जो है उतना सम इंश्योर्ड मिलता है, मतलब आपके लाइफ का जो कवर है वो डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर सैलरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि जब मैं कर रहा था ना वहां पे,
कि वहां पे ना लिमिट डिसाइड किए हुए थे कि 3 लाख से 5 लाख होगा तो इतना आपको करना है, 5 लाख से 9 लाख होगा तो इतना आपको मिलेगा, 9 लाख से 12 लाख होगा तो इतना आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ना एक क्या बोलूँ, एक ग्रुप्स बनाया हुआ है, ठीक है, कि आप किस ग्रुप में फॉल करते हो, तो आप जिस भी ग्रुप में गिरोगे आपको वो ग्रुप जो है आपको चूज करना है। तो फुट नोट्स में एक तरीके से ये इंफॉर्मेशन वहां पे हो सकती है। आपसे पूछा गया व्हाट इज योर इनकम, ठीक है, अब आप डाउट में हो कि क्या होगा, नीचे में आपने देखा अच्छा यहाँ पे 3 कैटेगरी है, 1,000 से 2,000, 2,000 से 3,000, 3,000 से 5,000, तो जो जिसमें भी आप इंक्लूड करोगे, जिसमें भी आप होगे, आप उसको वहां पे चूज कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। तो ये क्वेश्चनेयर फ्रेम करने का जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक था हमारा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने कल और सेंड किए थे, ठीक है ना, ये नीचे में, कि प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा, जो प्रिकॉशंस है वो आपको लेने हैं जब आप सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करोगे अपने किसी भी चीज में, तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं ये आपको ध्यान देना है, ये मैंने आपको सेंड किया था। और एक और क्वेश्चन मैंने सेंड किया था, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा को आप किस तरीके से कलेक्ट करोगे। तो दोनों क्वेश्चन काफी ईजी था, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टाइमिंग भी खत्म होने वाली है। तो ये जो बीच वाला क्वेश्चन था ये हम लोगों ने फिलहाल किया है, और जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को सेंड करा था, उस पीडीएफ का जो आखिरी पीडीएफ है उसमें 6 के 6 क्वेश्चन है जो अभी तक MCO 23 में हमारे हैं, जो हम लोगों ने अभी तक किए हैं टोटल, ठीक है, जितने मैंने सेंड किए हैं, तो 1 to 6 उसमें सारे के सारे हैं। उस एक पीडीएफ को या सारे क्वेश्चंस को भी आप अपने पास रख सकते हो फॉर फ्यूचर यू नो रेफरेंस। आपको स्टडी उससे करते रहना है, जब एग्जाम होगा तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं भी रहा तो मैं वापस से आपको सेंड कर दूंगा, बट फिलहाल जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने रिद्धि को बताया, दीप्ति आप भी हो, आपको भी मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो पेपर है ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ होगा, ठीक है, टफ एज इन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मैथ्स से पूछे जा रहे हैं, वो भी साइंस वाले, ठीक है। थोड़े बहुत साइंस के क्वेश्चंस हम लोगों ने मैंने किए थे अपने कॉलेज में, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, बट उसको थोड़ा ना मुझे ब्रशअप करने के लिए टाइम चाहिए, उसको मुझे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, और देखने के बाद भी मैं कितने अच्छे तरीके से करा पाऊंगा मुझे बहुत डाउट है इस चीज के ऊपर। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप थियोरेटिकली थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड हो जाओ, इसका जो थ्योरी का पोर्शन है, इस सब्जेक्ट का जो थ्योरी का पोर्शन है वो एटलीस्ट 80% कवर करेगा आपके क्वेश्चन को। आपके क्वेश्चन में अगर 8 क्वेश्चन होंगे तो 8 में से कम 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड होंगे, ठीक है। तो थ्योरी बेस्ड होने का मतलब है कि 80 नंबर यहाँ पे आपके ऑलरेडी कवर हो जा रहे हैं। 20 नंबर के लिए मैं कोशिश करूंगा कि एट द एंड जब एग्जाम का टाइम होगा उससे पहले मैं कुछ सवाल करा दूं, ताकि आपका जो 20 नंबर है वो भी थोड़ा बहुत जितना भी हो पाए थोड़ा बहुत ही कवर हो जाए। लेकिन 80 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग को छोड़ने एकदम नहीं है, ठीक है। तो मैं जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके हर एक चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें करने की कोशिश करेंगे। और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ भी है, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक बात कि MCO 23 तक के नोट्स अभी तक अवेलेबल है, MCO 24 का अभी तक कोई बुक रिलीज नहीं हुआ है बाय इग्नू। तो MCO 24 में थोड़ा हो सकता है लेट से स्टार्ट करूं, क्योंकि बुक आएंगे उसके बेसिस पे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे रेडी करने होंगे और फिर क्लासेस उसकी स्टार्ट होंगी। बट टिल देन वी हैव 7 चैप्टर्स, सॉरी वी हैव 7 सब्जेक्ट्स जिनकी तैयारी हम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो मतलब एक्सक्लूडिंग आपका जो MCO 24 है उसको छोड़ के बाकी सारे जो बच गए हमारे, ठीक है, MCO 1, 4, 5, 6, 21 और 22 एंड 23 एज वेल। 24 हमें जो है थोड़ा सा लेट होगा इसको करने में, बट एट द एंड ऑफ दिस सेशन, आई मीन जो हमारा आपका जो सेशन है ये 6 महीने का, आप तो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हो, दीप्ति आई गेस नेक्स्ट सेम में एग्जाम देगी ना, दीप्ति आप सर जून वाले सेशन में अपना सेकंड ईयर दोगे राइट, आपको तो एडमिशन जुलाई में था, सर नहीं, जनवरी में ही था मेरा। आपका जनवरी में ही था, ओके ओके मुझे लग रहा था जुलाई में था, कोई नहीं। तो आपको भी 8ों पेपर एक साथ ही देने हैं, ठीक है, तो 7 पेपर्स के नोट तकरीबन रेडी हैं, मैं एक एक करके शेयर करता हुआ चलूंगा, आपको बस उनको रीड करते हुए रहना है सारे क्वेश्चंस को, जहां पे भी आपको डाउट हो यू कैन आस्क मी, और अगर डाउट नहीं होता है तो उनको रीड करते रहिए, और क्लासेस जैसे जैसे होंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो क्लासेस में मैं कराता चलूंगा, ठीक है। एंड MCO 24 लेट्स होप कि जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि चीजें हम लोग कर पाए, बस असाइनमेंट्स भी हम लोगों को लिखना है, तो लेट्स सी कब तक आता है वो असाइनमेंट्स, आई होप कि जल्दी ही आ जाएगा, ज्यादा टाइम तो अब है नहीं क्योंकि 30 सितंबर आपका लास्ट डेट है, अगस्त स्टार्ट हो गया है और तकरीबन वही 1.5-2 महीने हैं हमारे पास। हालांकि 30 सितंबर का डेट इंक्रीज होगा, वो एनहेंस होगा, एक्सटेंड होगा, सॉरी तीन तीन वर्ड एक ही सिमिलर मीनिंग का, तो एक्सटेंड होगा, तो आई होप कि वो 15 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक भी जा सकता है। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, पर जैसे ही असाइनमेंट्स आएंगे मैं शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा उसके आंसर्स, आप लोग फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो, बाकी 4 लिखने हो गए ना दीप्ति,
रिद्धि एंड दीप्ति, आप लोगों का 4 पेपर हो गया पूरा? नहीं सर, मेरा एक पेपर बाकी है अभी। एक बाकी है रिद्धि का। यस सर। ओके दीप्ति, आपका आपने स्टार्ट करा? हाँ सर। ओके आपको ऐसे भी थोड़ा लेट से आपने स्टार्ट किया, कोई नहीं, तो उसको करते रहिए। और जब आप असाइनमेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो असाइनमेंट्स के आंसर्स को भी ठीक तरीके से पढ़िए। कई बार ऐसा भी होता है कि असाइनमेंट में जो पूछे गए हैं सेम टू सेम, तो वो आपसे नहीं पूछेगा, बट उसको टच करता हुआ कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ठीक है? तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी अगर आप ठीक तरीके से कर लोगे ना, तो एग्जाम में फायदा ही देगा वो, ठीक है? ओके देन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है?